देखिए इसका जो ऑन ऑफ बटन है वो इस तरीके से टूट गया है, और कस्टमर देखिए ऐसे पेज सा होता है, तो इसको आपको यहाँ से इस साइड से बिल्कुल आराम से निकालना है। दोनों बटन को ध्यान से देखोगे तो ये पूरा जम गया है इसके ऊपर, क्योंकि फेविक्विक डाल दी है कस्टमर ने। देख सकते हो फ्रेंड, मल्टीमीटर के स्क्रीन पे हमारी बैटरी फुल चार्ज है। फोर देखिए इस तरीके, Welcome to connect with Landmark Speaker. तो ये देखिए फ्रेंड, जो इसका खराब बटन था ये हम निकाल चुके हैं इस तरीके से। देखिए फ्रेंड, ये मैंने इस तरीके से दो पतली वायर ली है और इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है अंडर आयरन, तो ये बटन प्लास्टिक पिघल जाएगा। तो ये देखिए बड़े आराम से ये लग गया है। जब भी हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये हमारा स्पीकर स्टार्ट होगा। देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जुगाड़ हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, मेरा नाम है राज, और आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड मेरे पास लैंडमार्क कंपनी का ये ब्लूटूथ स्पीकर आया हुआ है, और कस्टमर ने देखो फ्रेंड किस तरीके से इसको डिब्बे में ही पैक कर रखा है। कई लोगों की आदत होती है कि वो इसी तरीके से मैला ना हो, कुछ भी उसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए, तो ऐसे ही पैक कर लेते हैं। तो ये अभी डिब्बे में पैक है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है फ्रेंड स्पीकर के अंदर, इसके पावर बटन की है। तो एक बार मैं इसको डिब्बे से थोड़ा सा निकाल दूं, इस तरीके से टेप वगैरह लगा के कस्टमर ने इसको अंदर से ही पैक कर रखा है। इसको मैं निकाल देता हूँ और इस बॉक्स को मैं साइड में रखता हूँ। तो ये हमारे पास मेन बोर्ड है फ्रेंड, और इस स्पीकर के अंदर ये देखिए इसका जो ऑन ऑफ बटन है वो इस तरीके से टूट गया है, और कस्टमर ने शायद इसको थोड़ा सा फेविक्विक वगैरह डाल के भी चिपकाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। क्योंकि फ्रेंड ये फेविक्विक वगैरह डालने से ये चीज़ें ठीक नहीं होती, इसके लिए आपको प्रॉपर ही बटन को रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर कुछ और लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर आपको दिखाया भी हुआ है। तो इस तरीके का ये पूरा स्पीकर है, ये देख लो आप पीछे से भी थोड़ा सा लैंडमार्क कंपनी का है ये। तो आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड हम यही सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास भी इस टाइप का कोई भी किसी भी कंपनी का स्पीकर हो और उसका जो ऑन ऑफ बटन है वो टूट गया है, या फिर काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका ये बटन ओके है लेकिन आप इसको ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो किस तरीके से आप उसे बटन को चेक करोगे कि आपके बटन में ही प्रॉब्लम है या फिर आगे कोई सर्किट में प्रॉब्लम है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे के बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय न गंवाते हुए वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस स्पीकर के अंदर क्या है कि जो हमें काम करना है वो इसके बोर्ड के अंदर करना है, क्योंकि इसके बोर्ड के अंदर ही इसका ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसके बोर्ड को निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको स्पीकर के अंदर कोई भी वर्क करना है या स्पीकर की कोई वायर टूट गई है तो आपको सिंपली ये खोलना पड़ेगा। इसके ऊपर ये कपड़े का लगा हुआ है तो ये भी आराम से खुल जाता है। तो लेकिन हमें जो काम करना है वो हमें करना है इसके ऊपर, तो हम सिंपली इन दोनों पेज को खोलेंगे और फिर इस बोर्ड को हम बाहर निकालेंगे। तो देखिए वो कैसे निकालना है, मैं साथ ही साथ आपको खोलने का तरीका भी बता रहा हूँ फ्रेंड, तो ताकि आपको भी थोड़ा सा तरीका पता चल जाए खोलने का, और उसी तरीके से फिर आप अच्छे से उसको पैक भी कर पाओ। तो इस तरीके से हम दोनों पेज को खोल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों पेज को खोल दिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली आप जब भी कोई भी डिवाइस को खोलो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल प्यार से उसको बाहर की तरफ निकालोगे, क्योंकि हो सकता है कि उस स्पीकर के अंदर वायर पता नहीं छोटी दे रखी है कंपनी ने, बड़ी दे रखी है, तो कहीं कोई वायर ना टूट जाए, फिर बाद में आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप कोई भी डिवाइस की जो इस तरीके से खोलें तो थोड़ा सा प्यार से खोलें उसको। तो इस तरीके से मैं ओपनर ले रहा हूँ फ्रेंड, और ओपनर की मदद से इसको मैं उठाऊंगा आराम आराम से। इस तरीके से हमें उठाना है, और ये देखिए इस तरीके से ये निकल रहा है, और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये कहीं ना कहीं अटक रहा है, तो ये ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये देखिए यहाँ से आ गया, उसके बाद हम इसको ऐसे आराम से करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे फंसा होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे पेज सा होता है, तो इसको आपको यहाँ से इस साइड से बिल्कुल आराम से निकालना है। ये निकल गया, उसके बाद आपको ऐसे खींच लेना इस साइड की तरफ, और ये फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा बड़े आराम से। देखिए ये ऐसे आने के बाद ये बाहर आ गया है। तो बिल्कुल सिंपल सी पैकिंग है इसकी, बस थोड़ा सा आपको तरीका पता होना चाहिए, और जहाँ पे ये अटके ना तो बिल्कुल आपको देख लेना, ऐसा नहीं कि पूरा जोर लगाए, तो जोर लगाने पे ये टूट ही जाएगा फ्रेंड, या तो ये लॉक टूट जाएगा या फिर यहाँ से ये आपका गत्ता वगैरह टूट सकता है। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे फंसी रहती है, तो ऐसे ये थोड़ा सा टाइट होता है, तो
आपको प्यार से देख के निकालनी है, और इस साइड से एक साइड से निकल जाए तो आपको थोड़ा सा इस साइड करना है और ये आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा बोर्ड है, और बोर्ड के अंदर आप देखोगे तो ये दो वायर निकली हुई है, और तो दोनों में आप एक चीज ध्यान दोगे फ्रेंड, जब भी आपको स्पीकर खोलो तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, कंपनियां ना ये जो व्हाइट रंग के दो कनेक्टर लगे हैं इसकी जगह जो बैटरी वाला हमारा कनेक्टर पॉइंट होता है वो रेड रंग का देती है, लेकिन इसके अंदर दोनों ही व्हाइट है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे आप देख सकते हो कि कौन सा कनेक्टर कहाँ पे लगा है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप उस तरीके से भी थोड़ा सा देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए CN6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये चार्जिंग का है, तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो। अदरवाइज आप किसी मोबाइल से फोटो वगैरह खींच के रख लो फ्रेंड, जब भी आप इस तरीके से बोर्ड खोलो कोई भी वायर हटाने से पहले आप फोटो वगैरह खींच लिया करो, और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी अगर आप वायर लगाने में भूल कर रहे हो कहीं पे, तो आप इस तरीके से फोटो वगैरह को देख के आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये तो मुझे पता है फ्रेंड, इसलिए आपको बताना जरूरी, क्योंकि काफी सारे नए यूजर होते हैं जिनको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। तो ये जो हमारी वायर है सफेद और लाल वाली, ये हमारे स्पीकर की है और ये हमारी बैटरी की है, तो इस तरीके से आप देख लिया करो। और ये जरूरी इसलिए है फ्रेंड कि मान लो आपने इस बोर्ड को खोल दिया, और खोलने के बाद आपको ध्यान में नहीं रहा, आपने अपना जो भी काम था आपने पूरा कर लिया, बटन या जैक जो भी लगाना है वो लगा लिया, उसके बाद आपने क्या किया कि जब इसको आप पैक कर रहे हो तो गलती से आपने ये बैटरी वाली वायर स्पीकर वाले पॉइंट में ऐसे लगा दी। साउंड आईसी है ये, आपकी उड़ जाएगी या जल जाएगी, हो सकता है इसकी मेन ये जो आईसी है ये भी खराब हो सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर बहुत केयरफुली काम करना है इसको लगाते समय। आपको मैं इस पे इसीलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 4-5 व्यूवर का ऐसे ही कमेंट आया था सर कि हम वायर को पहचान नहीं पाए और गलती से हमने बैटरी वाली वायर को स्पीकर वाले कनेक्टर में लगा दिया और फिर हमारा बोर्ड खराब हो गया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपली ये मैंने निकाल लिया है, अब हमें देखिए इसके अंदर क्या है कि इसको हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो पेज दिए गए हैं, तो इसको अब हम खोल लेते हैं। इस तरीके से हम इसको खोलेंगे, बिल्कुल छोटा सा बोर्ड इसके अंदर भी होता है। और ये देखिए ये इसका पूरा सिस्टम दिया गया, इसको मैं साइड में रखता हूँ अब। तो ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके का ये बोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो इसके गाने के आवाज़ को कम ज़्यादा और गाने को आगे पीछे करने वाला ये बटन है। आपका ये बटन टूट जाता है फ्रेंड, तो आप इसके अंदर से कैसे चार वायर को निकाल के इसके यूज में ले सकते हो, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, और हो सकेगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको, जहाँ पे आप इजीली इसकी वर्किंग को समझ सकते हो। तो ये मैंने जुगाड़ से इसका बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो अगर आपके किसी भी स्पीकर के अंदर इस टाइप का बटन है और वो काम नहीं कर रहा है तो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है, ये हमारा USB कार्ड स्लॉट है, और ये हमारे चार्जिंग पिन है फ्रेंड, जो कि बिल्कुल ओके है फिलहाल। तो यहाँ पे ये देखिए हमें जो काम करना है वो हमारे ये ऑन ऑफ बटन पे देखना है, तो आप ऑन ऑफ बटन को ध्यान से देखोगे तो ये पूरा जम गया है इसके ऊपर, क्योंकि फेविक्विक डाल दी है कस्टमर ने और ये काम नहीं कर रहा है, पूरा अंदर से पैक हो गया है इस तरीके से, टूट ही गया है। तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है फ्रेंड कि आपके पास जो स्पीकर हो उसका बटन टूट गया हो, कई बार ये होता है कि हमारी बटन देखने में सही लगती है, आगे पीछे भी होती है, लेकिन वो हमारा स्पीकर ऑन नहीं होता। तो ऐसे में काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं सर कि हमारा बटन ओके है लेकिन अब हमें पता नहीं चल पा रहा कि ये ठीक है कि नहीं है, तो ऐसे में मैं उनको यही सलूशन बताता हूँ कि आप बटन को शॉर्ट करके देखो। तो एक गलती उनकी ये रहती है फ्रेंड कि जब भी आप किसी बटन को शॉर्ट करके देखते हो तो उससे पहले जो आपकी ये बैटरी है वो फुल चार्ज होनी चाहिए। आपकी बैटरी अगर डाउन होगी, आप इसको सही तरीके से शॉर्ट करके भी देखोगे तो आपको कुछ भी उसके अंदर पता नहीं चलने वाला। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी फ्रेंड, तब तक आपका बटन ओके होगा, तब भी आपका स्पीकर ऑन नहीं होगा, और उसको आप वैसे चेक करोगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस बटन के पीछे 3 पॉइंट दिए गए हैं, और इस 3 पॉइंट में से हमें 2 पिन को शॉर्ट करना होता है। तो ऐसे हमें कन्फर्म नहीं होता कि कौन सी पिन कहाँ पे शॉर्ट करने पे काम करेगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हमें इस तरीके से लगाना, आपको इस तरीके से चिमटी लेनी होती है, और चिमटी लगाने के बाद हमें इस तरीके से या तो पहले इस 2 पिन पे आप टच करके देख लो, और या फिर इस 2 पिन पे टच करके देख लो, तो इस तरीके से हमें शॉर्ट करके देखना होता है। कई लोग गलती क्या करते हैं फ्रेंड कि ये जो इस तरीके से वो चेक करते हैं, तो चेक करते समय ये जो आपकी ये बटन के ऊपर ये मेटल का पार्ट है तो ये इसके साथ टच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे आप टच करोगे तो कई बार इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वो आपको नहीं करना। आपको इस तरीके से, या तो आप इस तरीके से भी करो तो ये आपको ध्यान रखना है
कि ये चिमटी का पार्ट इसके अंदर ना भिड़े, ये आपका ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुई है, तो इसलिए मैं एक एक चीजें आपको बता रहा हूँ, अपनी हर एक वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से चीज को कर सको। तो यहाँ पे हमें इस बटन को शॉर्ट करके देखना है, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी बैटरी है उसको हमें देखना है। तो आप बैटरी को भी मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ फ्रेंड, कि ये जो इसकी बैटरी है ये चार्ज है कि नहीं है, तो क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कितनी चार्ज है कितनी नहीं है। तो हम सिंपली सबसे पहले इसकी बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे, और ये आपको भी चेक करना जरूरी है, नहीं तो अगर आपका ये बटन सही भी होगा तब भी ये ऑन नहीं होगा, और ख़राब होगा आप शॉर्ट करके देखोगे तब आपको पता नहीं चलेगा। तो ये देखिए, मैंने मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। अब सिंपली हम यहाँ पे इसके जो पॉइंट है इस पे हम टच करके देखते हैं कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टच करेंगे इसके दोनों पॉइंट पे, तो आप देख सकते हो फ्रेंड मल्टीमीटर की स्क्रीन पे हमारी बैटरी फुल चार्ज है, 4.0 के आसपास वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बैटरी है वो चार्ज है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड, ये देखिए हमें सबसे पहले ये जो बैटरी वाला कनेक्टर है इसको बैटरी वाले कनेक्टर में लगा देना है, और जो स्पीकर वाला है उसको स्पीकर वाले में लगा देना है, ये इस तरीके से। और ये चीज़ें मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, इस तरीके से हमें लगा देना है। अब ये मैंने वायर को सही तरीके से लगा लिए, अब हमें क्या करना है इसको शॉर्ट करके देखना है। तो शॉर्टिंग को मैं इसी तरीके से बोलता हूँ फ्रेंड, कि आप इस तरीके से बटन को शॉर्ट करके देखो, आपको सिंपली इस तरीके से पिन को टच करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा करीब से आपको दिखा दूँ, साउंड तो आपको सुनाई देगी जब ये ऑन होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 3 पिन दे रखी है, हो सकता है आपके जो स्पीकर में बटन हो उसमें 5 पिन हो या 4 पिन हो, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपली ऐसे देखना है बीच वाली पिन कौन सी है। ज़्यादातर 6 पिन नहीं होती, 5 पिन होती है फ्रेंड, दो इस साइड एक बीच में, तो आपको बीच वाली पिन को हमेशा साथ में रखना है। ज़्यादातर मैंने देखे हैं अधिकतर केस की जो हमारी बीच वाली पिन होती है वो मेन होती है, उसके बाद में आप इसके साथ टच करके देख सकते हो या इसके साथ टच करके देख सकते हो। तो सिंपली हम पहले इसके साथ टच करके देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे इस बीच वाली को और इसको ऐसे टच करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ऑन हो गया, इसका मतलब एक ये वाली पिन और एक ये वाली पिन दोनों को टच करने पे ये हमारा स्पीकर ऑन हो रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से हमें कंफर्म हो गया कि ये जो हमारे बटन का जो पॉइंट है, सप्लाई पॉइंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला है, और इसी के अंदर से हमें 2 वायर निकालनी है। एक वायर को हम यहाँ पे सोल्ड करेंगे, एक इस यहाँ पे करेंगे, और ये हमारा फ्री है, ठीक है। तो इसका हमें कुछ भी यूज नहीं करना, हमें इन 2 पिन से मतलब है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस कनेक्टर को हमें निकालना है, और इस कनेक्टर को निकालने के बाद हम यहाँ से 2 वायर को निकालेंगे। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं, ये तो हमें कन्फर्म हो गया है। इस तरीके से आप किसी भी बटन को चेक कर सकते हो फ्रेंड, और यही तरीका होता है सबसे आसान, बस आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस बटन को निकाल लेंगे अब। तो ये देखिए फ्रेंड, जो इसका खराब बटन था ये हम निकाल चुके हैं, इस तरीके से मैंने इसको निकाल दिया है क्योंकि ये खराब हो चुका था। अब इसके अंदर फ्रेंड आप 2 चीजें बची हुई हैं, आपने बटन तो निकाल लिया और चेक भी कर लिया कि हमारे बोर्ड में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बटन की ही प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए फ्रेंड आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो अगर आपके पास इस टाइप का बटन है तो आप ये लगा सकते हो, और मार्केट में जल्दी से इस टाइप का बटन नहीं मिलता फ्रेंड, क्योंकि ये देखिए जैसे कि मेरे पास मैं काफ़ी सारे बटन लेके आया था, तो इसके अंदर छोटे वाले मैं लेके आया था लेकिन कोई भी मैच नहीं कर रहे। ये देखिए इस टाइप के काफ़ी सारे छोटे वाले बटन हैं, बट ये अलग अलग साइज के हैं, कोई मैचिंग नहीं करता। एक ये लेके आया था यहाँ पे, तो ये भी कोई मैच नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये जो इसके ओरिजिनल वाले बटन होते हैं ये जल्दी से मार्केट में मिल ही नहीं पाते। तो ऐसे में फ्रेंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम रहती है कि अब हम ऐसे में करें तो क्या करें। तो ऐसे में फ्रेंड आपके पास सिंपल सा जुगाड़ ये है कि आपके पास ये जो 3 पॉइंट हैं, कहाँ पे गया ये रहा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कि ये जो 3 पॉइंट हैं, तो इसके अंदर आप क्या करोगे फ्रेंड कि जिन 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट को टच करने पर आपका स्पीकर ऑन हो रहा था, आप सिंपली वहां पे 2 वायर को जोड़ोगे। तो एक तो हमारा ये बीच वाला पॉइंट है और एक ये वाला है, तो इनमें हमें 2 वायर को जोड़ना है,
और इसकी जगह पे हम दूसरी जो मार्केट में हमें आसानी से बटन मिल जाती हैं वो यूज करेंगे। अदरवाइज आपके पास बटन भी नहीं है तो आप उस दो वायर को टच करके भी काम चला सकते हो। तो देखिए वो कैसे करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे चीजें नहीं मिलती तो हम ऐसे ही जुगाड़ करके काम चलाते हैं और कस्टमर का भी ऐसे ही काम चलाया जाता है, क्योंकि एक बटन के बिना अगर इसको पूरा स्पीकर फेंकना पड़ जाए तो वो ठीक नहीं होगा फ्रेंड। तो इसलिए कोई ना कोई जुगाड़ करके हमें इसको चलाना ही होता है। तो ये चीजें मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको सिखाता हूँ कि अगर आपके पास सेम चीजें नहीं है तो आप इस तरीके से जुगाड़ करके काम चला सकते हो। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो हम सिंपली अब क्या करेंगे, दो वायर के टुकड़े लेंगे, एक इसको और एक इस पॉइंट में जोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने इस तरीके से दो पतली वायर ली है और इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है। इन दोनों पॉइंट को जब हम टच करते थे अपनी चिमटी से तो ये शॉर्ट होता था, उन्हीं दोनों पॉइंट पे हमें इस तरीके से वायर को जोड़ना है। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको सोल्डरिंग करो फ्रेंड तो यहाँ पे ये दोनों आपस में टच नहीं होने चाहिए, तीनों पिन हमारी अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको जोड़ देना है। अब हमारा काम खत्म हो गया फ्रेंड, क्योंकि इस तरीके से हमने इसको लगा लिया बोर्ड के अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये जो हमारा बटन वाला होल था वहां से हमें इस वायर को निकाल लेना है। तो इस तरीके से हम ऐसे इस होल से निकाल लेंगे दोनों वायर को, और ये यहाँ पे देखिए कट बना हुआ है बोर्ड के अंदर, जैसे आपको इसको फिट करना है तो सब कुछ इसके अंदर दिया होता है, बस आपको ध्यान देना होता है। यहाँ पे देखिए कट बना हुआ है तो, और इस साइड भी कट बना हुआ है, तो दोनों को हम इस तरीके से सिंपली फिट कर देंगे। और इस बटन को निकालना भी जरूरी था फ्रेंड, अगर आप इस बटन को नहीं निकालते तो ये जो वायर आप निकाल रहे हो यहाँ से तो ये निकल नहीं पाती, फिर आपको कहीं ऊपर नीचे आयरन से होल करना पड़ता और फिर ये बाद में निकलता। तो इसलिए बटन आप निकाल लोगे तो इस तरीके से ये इसी होल से बाहर आ जाएगी वायर। तो इस तरीके से ये फिट आ गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस तरीके से इसके पेज को टाइट कर देना है। तो चलिए मैं इसको टाइट कर देता हूँ एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको टाइट कर लिया अच्छे से। इस तरीके से आपको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा स्पीकर है इसको यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि अब इसका काम है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है फ्रेंड, बस वही बैटरी की केबल जो आपको लगानी हो ध्यान रखनी है कहाँ पे लगेगी, और ये चीज़ें मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ। तो मैं बैटरी की वायर को यहाँ पे जोड़ता हूँ, और ये हमारे स्पीकर की वायर है तो इसको मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ। और अब इस बोर्ड को हम अंदर फिट करेंगे। तो देखिए अंदर फिट करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको अंदर डालना है, और यहाँ से ये थोड़ा सा आपको इस साइड से ही डालना है, और इस तरीके से आप अंदर डालोगे तो इसको थोड़ा सा दाब देना है। दाबने के बाद यहाँ पे ये चीज़ें अटकेगी ये वाला, तो इसको आपको बिल्कुल प्यार से ऐसे करके ही फिट करना है, तभी अंदर जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो दो इसके पेज थे साइड वाले तो इसको अब हम टाइट कर देंगे। तो चलिए इसको भी हम टाइट कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस पेज को टाइट कर दिया है, ये दोनों पेज हमारे टाइट हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास कोई बटन नहीं है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं है, तो तब तक आप क्या करोगे, इस वायर को यहाँ से थोड़ी सी और लंबी वायर करके छील लोगे, और इसको जब तक आप ऐसे दबा के रखोगे या फिर मोड़ के रखोगे तब तक आपका स्पीकर ऑन रहेगा, यानी एक काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके अंदर। और अगर आप चाहो तो मार्केट के अंदर 10-15 रुपए में काफी सारी बटन मिलती हैं, आप उन बटन का यूज कर सकते हो। तो मेरे पास कुछ बटन है, मैं आपको दिखा दूं, मैं उस टाइप की बटन इसके अंदर यूज करने वाला हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास कुछ बटने हैं, मैं आपको दिखा दूं, मैं ज़्यादातर इसी टाइप की बटन वगैरह यूज करता हूँ। तो देखिए ये इस टाइप की भी काफ़ी सारी बटन आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप इनका यूज कर सकते हो। एक बार मैं दिखा दूँ, चलिए आपको इस तरीके की बटन आती है फ्रेंड, ये देखिए, ये इमरजेंसी टॉर्च वगैरह में बहुत लगती हैं, क्योंकि सेम बटन नहीं मिल पाती तो इन्हीं बटन का यूज होता है। ये देखिए हमारे पास ये वाली भी है, ज़्यादातर मैं ये वाली बटन यूज करता हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये काफ़ी मुझे अच्छी लगती है और लगाने में चिपकाना ही होता है, और जहाँ पे लगाते हो एकदम फिक्स भी हो जाती है। तो ये मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ। उसके बाद देखिए कुछ और है मेरे पास, इस टाइप की भी हैं। तो आपकी मर्जी है, आपको जैसे भी बटन मिले उस हिसाब से आप लगा सकते हो। तो हम इस बटन का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये तो आपको थोड़ा सा दिखाना था फ्रेंड। इस तरीके से ये बटन है, हम इसका यूज करेंगे इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो दो पॉइंट होते हैं इसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे। इसको भी थोड़ा सा लगाते समय आपको
ध्यान रखना होता है, क्योंकि काफी सारे जो नए व्यूवर हैं वो जब इस टाइप के बटन को जोड़ते हैं तो उनके साथ क्या होता है कि वो जब इसके अंदर जोड़ते हैं तो अपने शोल्डर आयरन को काफी देर तक इस पे लगाए रखते हैं, और जिससे ये प्लास्टिक पिघल जाता है और ये बटन हमारी वैसे खराब हो जाती है, फिर दबना बंद कर देती है। तो आपको ऐसे सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपका जो शोल्डर आयरन है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। ऐसे आपको पेस्ट लगा लेनी है। पेस्ट लगाते ही आपको देखिए मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको सेम लगाना है, क्योंकि देखने में तो ये लगता है कि मैं लगा रहा हूँ, लेकिन जब ये चीज़ें खुद से लोग लगाने लगते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है उनके लिए, जो नए व्यूवर हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं है। तो सिंपली इस तरीके से आपको रखना है और ऐसे रख के छोड़ देना है, ये देखिए इस तरीके से, और फिर एक बार ऐसे थोड़ा सा फैला देना है, बस इसी तरीके से। ज़्यादा देर नहीं रखोगे आपने, अगर ज़्यादा देर ऐसे रख दिया अपना शोल्डर आयरन तो ये बटन प्लास्टिक पिघल जाएगा। तो ये देखिए बड़े आराम से ये लग गया है। अब सिंपली यहाँ पे भी हम पेस्ट लगा के और इसको हम जोड़ देते हैं। तो चलिए इसको मैं एक बार जोड़ लेता हूँ फ्रेंड, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने बटन को इस तरीके से यहाँ पे और इन दोनों पॉइंट पे जोड़ दिया है। अब सिंपली जब भी हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये हमारा स्पीकर स्टार्ट होगा, देखिए। वेलकम टू कनेक्ट विद लैंडमार्क स्पीकर। और जैसे ही हम इसको बंद करेंगे तो ये अब बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप काम चला सकते हो। अगर आपको नहीं जच रहा तो आप क्या करो, सिंपल एक फेविक्विक लेके इसको अपने हिसाब से यहाँ पे जैसे भी आपको ठीक लगे वहाँ पे चिपका सकते हो। तो मुझे ये यहाँ पे ठीक लग रहा है तो मैं इसको एक बार यहाँ पे चिपका लेता हूँ फेविक्विक से, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने अच्छे से चिपका लिया है, ये चिपक गया है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और सिंपली जो एक्स्ट्रा वायर हैं वो आप अंदर की तरफ इसको डाल सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको अंदर डाल देंगे और ये हमारा काम हो गया है। तो इस तरीके से ये हमारा अब स्पीकर बिल्कुल ओके हो गया है फ्रेंड। और इसी तरीके से आप भी मार्केट से ऐसी बटन वगैरह ला के कोई भी डिजाइन की काम चला सकते हो। और अगर आपके पास बटन भी नहीं है तो सिंपली दो वायर को ऐसे जोड़ के काम चला सकते हो। तो वो आपके ऊपर है फ्रेंड, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। और अगर आपके पास सेम बटन है तो आप वो भी लगा सकते हो। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो या फिर आप कुछ मुझे बताना चाहते हो फ्रेंड, तो जरूर कमेंट करें। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे के बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।